वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का प्रोग्राम देखा था जो हमने रन करके भी देखा था। अब हम बात कर रन वैसे ही होंगे सारे प्रोग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और लिंक हमने ऐड किया इंडेक्स फाइल में register.stml, जिसमें एड स्टूडेंट नाम दिया है। सबसे पहला चेंज हमने किया है, एक एंकर टैग लगाया register.stml के। अब हम register.stml फाइल को खोल देते हैं। एक फॉर्म क्रिएट किया रजिस्टर में, जिसमें हमने यूआरएल डिफाइन किया ऐड स्टूडेंट, जो हम ऐड स्टूडेंट डेटाबेस पे भेजेंगे। मेथड हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स करके। यहाँ पे हमने टेबल के अंदर फॉर्म क्रिएट किया, इसलिए टेबल बार यूज किया। टेबल टीआर, फर्स्ट रो के अंदर हमारी डिटेल्स आ रही है लेबल, रोल नंबर, देन इनपुट बॉक्स। सेकंड कॉलम के अंदर हमारी वैल्यू आ रही है इनपुट बॉक्स, जिसका नाम हमने रोल नंबर दिया है। अब मैसेज आ रहा है एंटर योर रोल नंबर, राइट। सेकंड रो पे आ जाते हैं। यहाँ पे सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम टीडी, इसके अंदर हमने नेम दिया है। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं लाइक दिस, और टीडी लिखने की वजह से नेम फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड में आपके पास जो आता है वो इनपुट बॉक्स आता है टेक्स्ट टाइप का, जिसमें आपने नेम प्रोवाइड किया है, एंटर योर नेम। देन कोर्स फील्ड आ गई, कोर्स, और फिर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। जो भी आप वैल्यू दोगे वो वैल्यू आपकी आएगी। ये मैसेज है जो आपके प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन करके आपने मल्टीपल वैल्यूज डिफाइन की है। यू कैन डिफाइन मोर देन दीज वैल्यूज। एचटीएमएल है इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। देन यहाँ, क्योंकि ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं, पहले भी प्रीवियस प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट पार्ट यूज किया, जिसमें हमने लेबल ईमेल आईडी बनाया है, टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, जिसका टाइप ईमेल यूज किया है, जिससे हमारा इनपुट टाइप ईमेल हो जाता है। इसमें ईमेल टाइप की वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। प्लेस होल्डर में एंटर योर ईमेल आईडी रखा। फिर हमने एक फीस बनाया है जो टेक्स्ट है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज इनपुट कर सकते हो, तो यहाँ पे फीस जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। यहाँ पे हमने कॉल स्पैन यूज किया है दो कॉलम्स को मर्ज करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे दो कॉलम नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही कॉलम, एक ही बटन चाहिए, रजिस्टर योरसेल्फ वाला। तो इसके लिए हमने ये किया। आप इसका आउटपुट देखना चाहें तो इसे जस्ट यहाँ पे हमने ऐसे ही रन करके देख लिया। इस तरह से कुछ आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, राइट। एस्टिमेट फॉर्म तो हम ऐसे देख सकते हैं, तो हमने ये देख लिया। अब दूसरा, इससे हमारे पास हमारी डिटेल जाएंगी एड स्टूडेंट। एड स्टूडेंट डॉट जावा नाम की फाइल है जो हमने कहाँ पे क्रिएट की थी। आप याद रखिए, वेब आईएनएम के अंदर क्लासेस के अंदर एड स्टूडेंट है। इसमें हमने वही एसक्यूएल पैकेज, तक तो सारा काम सेम है, डू गेट मेथड यूज किया है। इससे पहले जो हमने मेथड यूज किया था वो हमारा सर्विस मेथड था। अब जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो डू गेट मेथड है। डू गेट मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपका जो एचटीटीपी सर्वलेट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स यूज कर सकता है, जिसमें से डू गेट एक मेथड है। हमने वहाँ फंक्शन जो फॉर्म बनाया है उसमें भी हम मेथड गेट ही यूज कर रहे हैं, इसलिए हम डू गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यूज कर रहे हैं। पैरामीटर सेम है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये थ्रो करेगा सर्वलेट एक्सेप्शन और आईओ एक्सेप्शन। सेम फॉर्मल तरीका है, सेट कंटेंट रिटर्न टाइप, सेट कंटेंट टाइप जिससे आप टेक्स्ट एचटीएमएल करोगे, गेट राइटर ऑब्जेक्ट बनाएगा प्रिंट आउटर का। तो यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट उठाई है, जैसे आपने यूजर नेम पासवर्ड उठाए थे, वैसे यहाँ पे आपने जो जो पैरामीटर पास किए हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर रोल नंबर, तो रोल नंबर आ जाएगा इंटीजर टाइप। फीस, तो फीस भी इंटीजर टाइप आ जाएगा। नेम, कोर्स और ईमेल, ये जो है ये स्ट्रिंग है, और रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर जो फंक्शन है गेट पैरामीटर, वो स्ट्रिंग टाइप के लिए रिटर्न करता है, तो रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही होगा। ओके, इसके बाद हमने अब एस्टिमेल पैरामीटर्स उठा लिए हैं, वेरिएबल्स में हमारी वैल्यू भी आ गई है। उसके बाद इस वैल्यू को हमें डेटाबेस में डालना है, तो डेटाबेस कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हम रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कनेक्शन का CON, स्टेटमेंट का STMT, तो इनिशियली नल है। ड्राइवर से हमने ड्राइवर लोड कर लिया है, mysql.jdbc ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर, गेट कनेक्शन, डेमो ही हमारा डेटाबेस है। रूट यूजर नेम है, पासवर्ड ब्लैंक है, यू कैन डिफाइन दिस वे, ठीक है। देन इसके बाद आपने डिफाइन किया, स्टेटमेंट क्रिएट की है, क्वेरी बनाई है, इंसर्ट क्वेरी चलेगी। इसका सिंटैक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम हमारा है स्टूडेंट वैल्यूज, देन ब्रैकेट के अंदर फील्ड के नाम के वैल्यू डाल देते हैं। तो हमने वैल्यू उसी ऑर्डर में डाला है जिस ऑर्डर में हमारी फील्ड्स है। पहला रोल नंबर है, तो रोल नंबर वैल्यू आ गई। फिर कॉमा का साइन, क्योंकि कॉमा आपका स्ट्रिंग का पार्ट है, इसलिए हमने उसे डबल कोट में लिखा है। फिर जब हमने सेकेंड वैल्यू दी है जो कि नेम है, तो यहाँ पे हमने एक सिंगल कोट यूज किया है, दिस इज योर सिंगल कोट सिग्नल। ये सिंगल कोट जो होता है, जब एसक्यूएल जो होता है इंसर्ट क्वेरी जब एग्जीक्यूट करता है, तो उसके ऊपर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर सिंगल कोट होता है,
और जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है ओनली उनके ऊपर आप सिंगल कोट नहीं लगाते, इसलिए आपने रोल नंबर के लिए नहीं लगाया है सिंगल कोट, नेम के लिए लगाया है, तो क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है फिर नेम की वैल्यू आएगी, तो ये सिंगल कोट यहाँ बंद हुआ है, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट ओपन हुआ है, ये कोर्स का है यहाँ से यहाँ तक, फिर कॉमा, फिर ईमेल का, पर फीस के लिए देखिए यहाँ पे नहीं लगा, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद हुआ ये वाला, फिर सेमी, तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया आपने क्वेरी नाम का, जिसे एक के लिए, जिसे हमने फंक्शन के पास पास कर दिया एक्सिक्यूट अपडेट। एक्सिक्यूट अपडेट जो फंक्शन है वो आपकी क्वेरी को इंसर्ट डिलीट अपडेट को प्रेफर करता है, अगर आपको ये कमांड्स यूज करनी है इंसर्ट डिलीट और अपडेट कमांड तब आप यूज करते हो, स्टेटमेंट रन होगी, काउंटर की वैल्यू आएगी, काउंटर क्या होगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितनी अफेक्ट होगी, जब हम इंसर्ट करेंगे तो एक ही होगी, फिलहाल के केस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अगर काउंटर जीरो आता है तो आएगा नो रो अपडेटेड, यानी कि कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ, अदरवाइज आपका else part में यानी कि number of rows affect हुई है तो your record is saved message आता है। Exception same procedure है ये नीचे का, इसमें explain करने के लिए exception class not found, exception SQL not found, और बाद में हमने connections close कर दिए हैं जो जो हमारे connections थे। Okay? तो ये आपका complete program है body then HTML। अब इसके बाद XML में हमने क्या change किया है? Servlet और servlet का class नाम हमने same ही रख दिया है, add student। फिर एड स्टूडेंट नेम के साथ उसका URL भी हमने सेव किया, ठीक है? अब इसे हम देखते हैं कैसे रन कैसे हो रहा है। क्लास फाइल मैंने बनाई ली है, जैसे आपको जस्ट एक बार देख लेते हैं, जावा सी एड स्टूडेंट और जावा, होपफुली कंपाइल हो गया है, क्लोज कर दिया, सीधा इधर आ जाते हैं, XML बना लेते हैं, CMD jar CVS web5.war, ये आपकी फाइल भी बन गई है, इसे क्लोज कर दीजिए। अब हम इसे अपलोड कर देते हैं, पहले अपलोड नहीं होनी चाहिए तो उसे देख लिया हमने, अपलोड कर लिया, web5 ओपन डिप्लॉय, Then just web 5 पे हमने add student वाला option दिया, values डाली 5, शिवम का ही नाम डाल देते हैं, पीजे भी, email id shivam@gmail.com, paste 5, 5200, register yourself, your record is saved, मतलब आपका data चल गया है, back करिए। अब हम देखते हैं list of student में आना चाहिए, यहाँ शिवम आ गए, शिवम के डिटेल्स आ गए जो अभी हमने डाले थे, तो इस तरह से आपका डेटाबेस आएगा, ठीक है? थैंक यू।